अरे पप्पू बेटा जिद नहीं करते, देखो तुमसे पूछ के सारा कुछ रखे, क्या मेहमान बैठे हैं सब क्या कहेंगे। आओ आओ आओ, शाबाश। आप कह रहे हैं तुम गलत हो। आराम से उतरना, चलो शाबाश। भी आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ना मेरा बेटा ना, बुरी बात है, चलो चलो। उसी की भाई मगर। अरे सब लोग आए हुए, क्या कहेंगे सब। चलो चलो आ जाओ ना, आ जाओ, कोई शर्माने की बात थोड़ी है, आ जाओ। आ जाओ बेटा। आ मिला चंदा, मेरी जान, मेरा बेटा। अच्छा बेटा, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है मेरा बेटा। अच्छा बेटा, अच्छा आइए सिद्दीक भाई। माशाल्लाह, चंदा पर जगह दे। कहाँ जाऊँ? इधर इधर बैठ। मेरी पेट आप साथ आइए चंदा, आप बैठिए। नहीं आप ही, तुम बैठ बैठ बैठ, शाबाश। और अपना मुंह ठीक रख। शाबाश शाबाश शाबाश, सुभान। माश, अरे उसे कह रहा है, तस्वीर तो बना है। हाँ भाई, हम सब हैं। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ये आप ही भी ना, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत झूठ बोलने लग गई हैं और अब तो मुझे उनसे डर लगने लगा है। चंदा खाला, आप सुन रही है ना? अब देखे ना, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, साथ सोते उठते खाते पीते हैं, फिर भी एक दूसरे को जान नहीं पाते, ये कितनी खतरनाक बात है। माना है कि आप ही नॉवेल्स पढ़ा करती थी, अपने आप को उस नॉवेल की हीरोइन समझा करती थी, रात भर शहजादे के इंतजार में घड़ियां गिना करती थी और मैं इन सब बातों पे हंसा करती थी। आप यकीन जाने खाला, मैंने आप ही के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब्बा से छुपा कर मैं उनके लिए नॉवेल्स लाती थी, अम्मा को भी कुछ नहीं बताती थी, मगर मुझे क्या पता था कि ये आप ही ख्याली दुनिया में जिंदा है। अरे बेटा, इश्क या नावल तो हमने भी बड़े पढ़े हैं और दुनिया की हजारों लड़की पढ़ती है, मगर ऐसी बावली नहीं हो जाती। ऐसे खाला, हमसे भी तो गलती हुई है ना। भाई शादी से पहले हमें आप ही को तला भाई को दिखा देना चाहिए था, क्योंकि हमें तो पता है ना कि तला भाई खूबसूरत। तू मुझे सोने नहीं देगी बच्ची, देख मेरा जान और मत जला ये बातें करके। सुन, एक बात तू भी लिख के रख ली, रबाब की ससुराल में जो जुल्म अभी तक नहीं हुआ था वो अब होगा। अल्लाह। कितनी अजीब बात है बाजवा, मेरे दो बच्चों की शादी हो गई, मैं वो खुशी महसूस नहीं कर रही हूं जो एक माँ को होनी चाहिए। ना घर में रौनक है, ना दिल में चैन, एक अजीब सा एहसास है कि। देखो जुबैदा बेगम, मेरा ये ख्याल है कि इंसान को आने वाले अच्छे या बुरे वक्त की चाप सुनाई देने लगती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उस चाप को पहचान नहीं पाते, लेकिन जो पहचान लेते हैं
वो अपने अंदर हौसला भी पैदा कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चाप अब तुम्हें भी सुनाई देने लगी, इसलिए तुम्हें भी अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा। क्या तुम्हें भी महसूस होता है कि तलहा और रबाब के दरमियान? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, तलहा और रबाब नहीं। चलो खैर, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमें मीटिंग पे पहुंचना है, देर हो रही है, चलें? तुम चलो, मैं चेक साइन करके आती हूँ। ओके। आए चंदा पाप, तो हड्डियों में जान नहीं रही। तुम मासी वासी क्यों नहीं रख लेती? 5,000 मांगती है मासी। अब हमारा कोई बेटा तो है नहीं जो कमा कर ला कर दे। बस जोहा के पेपर खत्म हो गए ना, उसे कहूंगी कि घर संभाले। मैं तो कहती हूँ इस बच्ची से भी फारिग हो जाओ जल्दी से, 6 महीने में कोशिश करके ब्याह दे से। चंदा पापा, आप तो बस हथेली पर सरसों जमाने वाली बातें करती हैं। अरे कोई रिश्ता आएगा ना ढंग का, जभी तो ब्याहूंगी। अब मैं अखबार में इश्तेहार देने से तो रही। अस्सलाम वालेकुम चंदापा। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे गए थे मुख्तार अहमद के यहाँ? हाँ, चक्कर लगाया था मैंने। आप चाय पियेंगे आप? हाँ, चाय से याद आया भाई, चाय मैंने वहाँ पी ली थी। पप्पू की बीवी भाई बड़ी सुगड़ है, शामी कबाब इतने लजीज बनाए हुए थे उसने, काफी सलीकामंद लड़की है भाई। और क्या, यही सब देख के तो मैंने इतनी जल्दी की थी। और भैया, पप्पू और मुख्तार अहमद के तो नसीब खुल गए। कब जा रहे हैं वो लोग? कल सुबह की फ्लाइट है, चलोगे तुम लोग? नहीं, मैं भला जाकर क्या करूं। बहरहाल भाई, मुख्तार चाचा शिकायत कर रहे थे कि तुम और चंदा आपा आई नहीं। बहरहाल मैंने उनसे कह दिया था कि जोहा के पेपर है आखिरी, इस वजह से नहीं आ सके। सिद्दीकी, हमारी जाने की तुक क्या थी? तुम्हें पता है पप्पू तो ससुराल में विराजमान हो रहे हैं, और तुम्हारे मुख्तार अहमद जो है वो 70 चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में उस घर के। मैं तो वैसे मुख्तार चाचा से मिल आई थी। बहरहाल मैंने उनका पैगाम तुम तक पहुँचा दिया। वैसे मुख्तार चाचा खुश बहुत है, जद्दा जा रहे हैं ना उनके साथ, कह रहे थे कि मेरा हज और उम्रा दोनों हो जाएंगे। अरे हाँ, उसमें मुझे याद आया कि इनका तो नसीब जाग उठे भाई, अपनी अपनी किस्मत है। अरे यहाँ तो पल का पता नहीं कि अगली घड़ी क्या हो जाए। जोहा कहाँ है? जोहा अब वो पेपर देकर आई ना तो सो रही है, अगर आप कहें तो जगा दो उसे। नहीं नहीं, रहने दो। मैं साफ करती हूँ। मुंह धो। क्या साफ करोगी, इतना तो गंदा रख दे कर देती हो। मैं हूं तो कहने लगी साफ कर दू। मुझे नहीं अच्छी लगती है मुंह देखे की बातें। तो अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो ना। मुझे आयान तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। जी जी, हुक्म कीजिए। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। रीजन ये है कि यू नो, इस तरह सब बड़े बड़े बिजनेसेस का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है। तो मैं ये फील कर रही थी कि इतनी बड़ी रकम मेरे लिए निकालना मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। नहीं ठीक है, प्रोसीजर तो है, टाइम तो लगेगा।
चलिए ऐसा करते हैं कि मैं इन द मीन टाइम सुहेल को ज्वाइन कर लेता हूँ, उससे कुछ काम सीख लेता हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गारमेंट्स का बिजनेस है और मुझे इस हवाले से कोई नॉलेज तो है नहीं, इसी बहाने कुछ सीख भी लूँ। बट व्हाई, आई मीन तुम वो क्यों नहीं करते जिसका तुम्हें एक्सपीरियंस है? वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी, हम लोग गल्फ से मेडिसिन एक्सपोर्ट करते थे, और वो काम आप छोटे स्केल पे नहीं कर सकते, उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए, इससे कम में नहीं। नो वे ये गारमेंट्स का बिजनेस तो लोकल मार्केट्स के हवाले से है ना, एक्सपोर्ट वो तो बाद की बात है, अभी हमें लोकल मार्केट का सर्वे तो करना है। मामा आप कितने अरसे में पैसे दे देंगे? कुछ टाइम तो लगेगा ना बेटा, एक दो महीने कम अज कम, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी मुमकिन हो सके। I'll try my best. तुम एक काम करो ना, उसको रुबाब को बुला लो, वो देखेगी क्या हम सब घर वाले बैठ के चाय पी रहे हैं तो माइंड कर जाएगी। गो गो गो, गो। कोई जरूरत नहीं, उसे चाय पीना होगी वो अपने कमरे में पी लेगी, तुम शुरू कर। हाँ मैं नूरी से कहती हूँ, नूरी चाय लाओ। मामा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर का फर्द है, कोई मेहमान तो नहीं है ना कि हर वक्त उसको बुलाया जाए कि आओ चाय पी लो, आओ खाना खा लो। हाँ शुरू करो, आ रही है गरम गरम चाय। थैंक यू, गो अहेड। वाह 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 वाह, सच तो यह है कि हम आपकी खातिर जी नहीं पाएंगे। तो हम खुद कब जी पाते हैं आपके बिना? आपकी राह में दिए बिछाए आपका इंतजार करते रहते हैं कि कब नवाब साहब आएंगे। हराहट पे दिल ही कहता है कि वो आ गए। कहिए ना नवाब साहब, कब इस खूबसूरत पिंजरे से हमें आजाद कर कर अपने साथ ले जाएंगे आप? हम आपको दुल्हन बनाकर यहां से ले जाएंगे, आपकी खातिर दुनिया से टकरा जाएंगे, तूफानों का रुख बदलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। और कितना इंतजार नवाब साहब, उम्र का हर लम्हा हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। शाम की घुटन ले जाइए, हम अपना होगा हमसे इंतजार, ना होगा ये इंतजार हमसे। बीबी चाय रख दो। नूरी वो आयान साहब हैं घर पे क्या? हाँ जी बीबी घर पे। और लीजा? जी दोनों घर पे। ठीक है जाओ। अच्छा कुछ कहलवाना है? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। चलो ठीक। वो
बहुत थक गई है ना मेरी जान। हाँ माँ, अब मुसलसल मेहनत के बाद जब इंसान आराम करने के लिए लेटता है तब उसे थकावट का एहसास ज्यादा होता है। वैसे आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है ना तो ऊपर वाला उसका सिला ज़रूर देता है। लेकिन अब तुम आगे पढ़ने का इरादा मत बांध लेना। क्यों? मैंने तो सोचा था अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो मैं। नहीं बेटा, हम अब मज़ीद तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। हमारे हालात तुम्हारे सामने हैं सोहा। अम्मा, मैं कुछ दिनों से आपसे एक बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि अब्बा को मुझे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं खुद जॉब करके अपनी पढ़ाई। बस बेटा, पढ़ चुकी, अब नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पहले तुम वो तो सुन लो। देखो सोहा, हम दोनों, मैं और तुम्हारे अब्बू, उम्र की ढलान पर खड़े हैं। हमारी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दें। अब देखो ना, हमारे बाद तुम्हें संभालने वाला कौन है बेटा? अम्मा ऐसी बातें ना करें, खुदा आप दोनों को हमेशा सलामत रखें। ये तो तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारी दुआएं, लेकिन बेटा दुआओं की भी तो एक हद होती है ना। वरना शायद कभी भी किसी के माँ बाप और अपने ना मरते। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। मैं आप ही की तरह? अरे बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी शादी के मामले में लड़की की मर्जी मालूम होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, हम मालूमात कर लेंगे। अगर रिश्ता अच्छा होगा तो हम तुम्हारा रिश्ता वहाँ कर देंगे बेटा। ऐसा कोई नहीं है, मैं शादी आप लोगों की मर्जी से करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ जिसे आप पसंद करेंगे वो मेरी बेहतरी के लिए होगा। शाबाश, हम जो भी करेंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए करेंगे। अच्छा चलो उठो, अपने अब्बू से मिल लो। वो बेचैन हो रहे थे कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है। उनसे कहूंगी कि बहुत बुरा हुआ है, ठीक है? उठो जाओ। अल्लाह माँ। चलो। तलहा, किसी भी बात की कोई हद होती है ना बेटा। इतना अरसा गुजर गया है, किसी भी मामले में मैंने बीच में कोई बात की है? हाँ, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि मैं अंधी गूंगी बहरी हो गई हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता? बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे क्या नजर नहीं आता? ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी नेचर में कोई शोर शराबा नहीं। तुम्हारे मिजाज में नहीं होगा ना, मगर उन मोहतरमा को क्या हो गया, उसका क्या करूं मैं? वो जो बंद कमरे में रहती है सारा सारा दिन, ना किसी से बात करती है, ना कभी आके पास बैठती है 5 मिनट के लिए भी। हाँ, उसे भेज दो भाई, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। ठीक है माँ, मैं उसे कॉल कर देता। करता हूँ क्या मतलब, अभी बात करो मेरे सामने। माँ मैं बात कर लूंगा ना। अभी बात करो ना मेरे सामने। होल करो, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ। कहो उससे, ये तला से बात करो। हेलो जी, जी मैं ख्याल करूंगी। स्पीकर ऑन करो ताकि मैं भी सुनूं। तला वो आंटी करी, मैं स्पीकर ऑन करूं? जी कहिए। रबाब, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा। इससे कहो, वो उसका मैका है, ये इसका घर है जहां ये रह रही है, और जिस तरह ये रह रही है ये नहीं चलेगा। माँ प्लीज मुझे बात करने दे ना। हाँ करो बात। तला मैं कल ही घर चली जाऊंगी।
आंटी आप प्लीज इस बात को यहाँ खत्म कर दें, मैं कल घर चली जाऊंगी। तुम अपने घर चली ही जाओ, यही बेहतर होगा। लीजा, लीजा कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने कल शाम को भी आंटी को देखा, उनका अंदाज कुछ ठीक नहीं था। आयान तुम ये पूरी स्टोरी मुझे सुना चुके हो, क्या फिर रिपीट करोगे? अरे रिपीट नहीं कर रहा हूँ भावा, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, जरा जाके देखो तो सही। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन इस घर का प्रॉब्लम भी तो रबाब इस घर का प्रॉब्लम नहीं है। उसकी सल्तनत सिर्फ उसके कमरे तक है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो। तुम कैसी बातें कर रही हो मेरे से? प्लीज आयान बस करो। बाजवा साहब, मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप अपना काम खुद से। मैं हमेशा से अपना काम खुद ही करता हूं जी अजीम साहब, और अपना काम खुद ही करना चाहिए। ये मुलाजिमों पे डिपेंड करना कोई ठीक बात नहीं। बहुत अच्छी बात है बाजवा साहब, अपना काम करने वाले लोग बड़े भरपूर होते हैं। मैं तो बहुत भरपूर आदमी हूँ जी, और जिंदगी को बहुत भरपूर तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी आज भी उतनी हसीन है जितनी 30 बरस पहले थी। बहुत खुशकिस्मत है आप, वरना इस उम्र में तो लोग जिंदगी की नहीं मौत की दुआएं। अरे खुदा को मानिए अजीम साहब, अब ऐसी उम्र भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता मौत ही मांगने लगे। और फिर जिंदगी तो वैसे भी इतनी हसीन चीज है कि चलिए आपको इस पे एक शेर सुना दे। मैंने तो इस ख्याल से मांगी न मौत भी, कैसी ही ना मुराद सही जिंदगी तो है। वाह वाजो साहब वाह, क्या बात है। आपकी जिंदा दिली देखकर तो मुझे भी हौसला आ गया, वरना मैं भी ये सोच रहा था कि मेरे भी पैर अब कमर में लटकी। क्या हो गया आपको असीम साहब, आप खामखा डिप्रेसिंग बातें किए ही चले जा रहे। वाजो साहब आप बता रहे थे कि आपके पास कोई खुशखबरी। जी हाँ, मुझे जुनेद का नंबर मिल गया। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए अजीम साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहां रहता है, अलबत्ता उसका फोन नंबर मिल गया। इट्स ओके बाजू साहब, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं फोन करके सिर्फ उसे इतना कहना चाहता हूँ कि 50 लाख मेहर वापस करके मोना को तलाक दे। हम बच्चे और मोना का मेंटेनेंस भी नहीं लेंगे उससे। अगर उसने ऐसा ना किया तो क्या करेंगे? अगर उसने ऐसा ना किया तो उसे हसीब से आके माफी मांगकर मोना और बच्चे को कबूल करना होगा। फर्ज कीजिए उसने ऐसा कुछ भी ना किया, फिर तो बाजवा साहब हसीब के पास उसके फ्रॉड के इतने सबूत हैं कि वो उसे जेल भिजवा सकते हैं। लीजिए अजीम साहब, ये उसका नंबर, लेकिन ख्याल रखिएगा उसका नाम आयान है, जुनेद नहीं। मैं आपके सामने किताब आयान? हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे हाँ, एक मिनट। हाँ? उसका होगा,
डेफिनेटली क्या नाम है अपने का सुहेल का. हेलो कैन आई टॉक टू मिस्टर आयान. यस आयान स्पीकिंग. ओके नाउ मे आई टॉक टू मिस्टर जुनेद. सॉरी दिस इज नॉट जुनेद. रॉन्ग नंबर. जुनेद फोन बंद मत करना. तुम जानते हो कि मैं अजीम बोल रहा हूं और तुम मेरी आवाज को भी अच्छी तरह जानते हो. मिस्टर जुनेद याद रखना जिस तरह मैं तुम्हारे फोन तक पहुंच चुका हूं उसी तरह मैं तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाऊंगा जहां तुम छुप के बैठे हो. कानून की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता. और मिस्टर जुनेद जो आग तुमने लगाई है वही आग तुम्हें जलसा भी देगी. देखो मैंने कोई आग नहीं लगाई है सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया मैंने. मोना का हक छीन कर तुम कह रहे हो तुमने अपना हक इस्तेमाल किया. सॉरी आई टोल्ड यू ना दिस इज अ रॉन्ग नंबर. अब रॉन्ग नंबर हो गया. अभी तो तुमने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया अपना हक इस्तेमाल किया. हेलो 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 देखा आपने. जी देखिए चलो इसने एतराफ तो किया. उसे एतराफ करना था भाई साहब. थैंक यू वेरी मच भाई साहब. रियली थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग. मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता. और मैं आपका अजीम साहब. ये नंबर इसे कैसे मिल गया. क्या हसीब के हाथ इतने लंबे हैं. ये अगर वाकई मुझ तक पहुंच गया तो ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा. ओह माय गॉड ओह माय गॉड. आयान आयान आयान. हाँ हाँ कुछ नहीं. ये तो तुम बताओगे ना क्या बात है. क्या बात होगी. सुहेल का फोन था. सुहेल का फोन था कह रहा था कि पैसों का कोई इंतजाम हुआ या नहीं हुआ. काम शुरू करना है. मैं उसको क्या बताता कि वैसे आंटी ने खासी बेवकूफों वाली दलील दी है कि इतने सारे पैसे मैं एकदम नहीं निकाल सकती. तुम लोग इतने गिरे पड़े भी नहीं हो कि आयान ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो. I don't know. I'm sorry. परेशान हूँ बहुत. परेशानी में अक्सर ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं. अब कहाँ जा रहे हो. अरे बाबा भाग नहीं रहा हूँ यही हूँ घर पे. कितनी बार मना किया है कि लेट का रसाला मत पड़ा करें. आंखों पर जोर पड़ता है. यही आदत आपने रबाब को भी डाल दी है. तुमने रबाब से पूछा वो पप्पू के निकाह में क्यों नहीं आई. गुजर चुका वक्त हो चुका निकाह. अब क्या पूछूं. ससुराल के 100 मसले होते हैं. हाँ ये तो है. बात निकाह में आने या ना आने की नहीं थी. इसी बहाने कोई 2-4 दिन यहां रह जाती. सिद्दीकी लड़कियों का जितना अपने ससुराल में दिल लगे उतना ही अच्छा है. वैसे जोहा की बात हुई थी रबाब से. कह रही थी कि 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी. बहुत अकेला महसूस कर रही होगी.
शुरू शुरू में बच्चियों का दिल भी तो नहीं लगता ना ससुराल में। मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुम ब्याह कर आई थी तो छुप छुप के रोया करती थी कि अम्मा याद आ रही है। वो भी तो रोती होगी। नहीं सिद्दीकी, हमारे जमाने और थे। हम सारा दिन तो अपनी माँ के कलेजे से लगे रहते थे और आजकल लड़कियां, उनका आधा दिन कॉलेज में गुजरता है और आधा ऑफिस में। 12 बजने वाले हैं, अब आप सो जाएं वरना सुबह उठने में देर हो जाती है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं सोने की, नींद ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे खिजां का मौसम हो, अजीब उजड़ी उजड़ी सी, बेकली सी। कोशिश करेंगे तो नींद आ जाएगी, सोने की कोशिश करें। अच्छा भाई, तुम कहती हो तो फिर कोशिश कर लेते। आप यहाँ, आप जाके प्लीज सो जाइए। लीजा या आंटी ने देख लिया तो। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें यहाँ अकेले बैठे देखा तो तुम्हारे पास चला आया। खैरी तो है? आज वो आंटी भी तुमसे बहुत बिगड़ रही थी। आपने तो आज उनको सुना, मैं तो रोज ही उनकी बातें सुनती हूँ और रोज ही अपनी किस्मत को कोसती। क्या कहना चाह रही? क्यों, आपने कुछ महसूस नहीं किया? आप तो शुरू से ही सब कुछ देखते आ रहे। महसूस तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं मैं। तलहा ने तो मेरी जिंदगी का फैसला कर ही ली। वो मेरे साथ रहने ही नहीं चाहते। क्या कह रही हो? लीजा यार, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मुझे पहले ही मार डाले। अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे बताओ क्या बात है खुलकर। बता तो मैं दूं, लेकिन आप पहले कसम खाए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, बस मैं किसी से कोई बात नहीं करू। तला, तला मुझे तलाक देना चाहते। तलाक? लेकिन तुम्हारी तो लव मैरिज है। वो अमेरिका में किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते। मुझसे दूसरी शादी की इजाजत मांगी तो मैंने मना कर दी, तो साफ कह दिया मुझे कि मैं तुम्हें तलाक भिजवा दूं। मामा, कम विद मी, आई वांट टू शो यू समथिंग। अरे हुआ क्या बेटा? आपको नहीं पता इस घर में क्या हरकतें हो रही है। मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज चले। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामा, आप चले तो सही ना। हुआ क्या है? बोलते भी तो कुछ नहीं हो। हाँ?
इतनी बड़ी बात और तुमने किसी को बताई भी नहीं? किसको बताती, या है कौन मेरा? अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास, मुझे बताती। ये क्या हो रहा है तुम्हारी? ये जगह नहीं आंटी, वो घर में। आंटी क्या रहा? आंटी जाओ अपने कमरे में। माँ जी जाओ अपने कमरे में। लेकिन जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम्हारी नंद है और वो इसका शहर। हाँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप रहो। एक बार और तुमने झूठ बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मामा ये पहली बार नहीं है, भाई की मौजूदगी में भी ये सब करी थी। नहीं नहीं आंटी, आप इसको यहाँ से निकालें, वरना अपने साथ मेरा घर भी बर्बाद करने लगोगे। हाँ झूठती हो। नहीं तो मारो मेरा काम थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर। जाओ जाके चाबी लेकर आओ, मैं अभी इसके घर में छोड़ आती हूँ। मेरी बात सुने, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंटी मेरी बात सुने आप। तुम गलत कर रही हो, गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो, ना मैं अंधी हूं और ना ही मैं बहरी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत की खातिर मैं इस घर की इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकती। For God's sake, ये इस घर की बहू है। I know, sweetheart. मर गई sweetheart. मेरी बात को सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे साथ। मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं यार। तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम बिजनेस की वजह से परेशान, हालांकि तुम रुबाब की वजह से परेशान थे। I don't believe this. नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी जान की कसम है, तुम कैसी फिजूल बातें कर रही हो। वो तो सोहेल का फोन आया और मैं अपसेट हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैंने तो तुमको बताया भी था कि आंटी ने रुबाब को डांटा है। बस इसी परेशानी में बाहर निकल आया और वो सामने बैठी हुई थी, और वहां रुबाब मौजूद थी। रुबाब रोज इसी वक्त लॉन में या टेरेस में होती है, और जब भी तुम परेशान होते हो तुम वहां चले जाते हो। ओ, प्लीज, मुझे कोई तार नहीं आई थी कि वो बाहर बैठी हुई है। ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम लोग गलत कर रहे हो, रात के इस पहर उसको उसके घर छोड़ के। बस आयान, आइंदा मैं इस औरत का नाम इस घर में ना सुनूं। I don't want her in this house anymore. अच्छा, just relax, please. Don't touch me. संभालिए इसे, नहीं चाहिए ये गंदगी का टोकरा मुझे। ये इस काबिल नहीं है कि किसी शरीफ खानदान में रह सके। कुछ सिखाया नहीं था? सिखाया नहीं था कि बहनें जो होती हैं नंदे बहनों जैसी होती हैं? नहीं सिखाया था? पूछे इसे, पूछे ये आयान के साथ क्या कर रही थी। अपना घर तो बना नहीं सकी, चली है मेरी मेरी बेटी का घर बर्बाद करने। लेकिन नहीं चाहिए, तलाकनामा भिजवा दूंगी इसे। आंटी संभाल के रखे इसे। मैंने कुछ नहीं किया। और तुझे खोला मैंने। फरहान अरे मां को सुन लो, उसकी जलील करवा दिया ना हमें, तो जलील करवा दिया ना तुझे। अम्मा ये जलील करवा दिया ना। ये की कर रहे मैंने नहीं किया। फरहान तू अम्मा मैंने कुछ नहीं, मेरी बात सुन ले। तू अंदर अरे बात को सुन लो उसकी। सिद्दीकी सिद्दीकी क्या हो गया? सिद्दीकी पकड़ो, सिद्दीकी तुम आ जाओ, तुम यहाँ से तुम आ जाओ। अम्मा मेरे
एम्बुलेंस को फोन करो। पानी नहीं पी रहा चंदा पा। सिद्दीकी पकड़ रहा सिद्दीकी। हेलो हेलो एम्बुलेंस सर्विस। पता बताओ जे सिद्दीकी पानी पिए। सिद्दीकी अब बोल दो। पीछे लेकर चली जाओ।